আগরতলা পৌর নিগম এলাকায় করোনা সংক্রমণ উদ্বেগজনক জায়গায় পৌঁছে গেছে। সংক্রমণের সংখ্যা বাড়ছে 9টি ওয়ার্ডে, এর মধ্যে 7-8টি ওয়ার্ডে বেশি। সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য শনিবার পৌর নিগমের করোনা মনিটরিং কমিটির বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত মেয়র ডক্টর প্রফুল্লজিৎ সিনহা, বিধায়ক ডক্টর দিলীপ দাস সহ অন্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, যেসব ওয়ার্ডে সংক্রমণ বেশি সেখানে টেস্টের সংখ্যা বাড়ানো হবে, তবে অন্য ওয়ার্ডেও হবে টেস্ট। केसेस आ रहा है उसका 30% केस अगरतला पूर्व निगम क्षेत्र में आ रहा है, और जितने भी मृत्यु हो रही है उसका लगभग लगभग 50% केसेस जो है अगरतला पूर्व निगम जुरिस्डिक्शन में आ रहा है। तो इन बढ़ते केसेस को ध्यान में रखते हुए अगरतला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक कोरोना मॉनिटरिंग कमेटी है, जिसमें हम लोगों ने यह सिद्धांत लिया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के हम लोग जो नंबर ऑफ टेस्ट है वो बढ़ाएंगे, खासकर उन वार्ड में जहाँ पे नंबर केसेस ज़्यादा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगरतला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 8 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर 70% केसेस एएमसी के हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस अभी नंबर ऑफ एक्टिव केसेस 100 से ज़्यादा हैं, ऐसे 8 वार्ड हैं। उन 8 वार्डों के ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उसके साथ में जो बाकी इलाके हैं उसमें भी हम लोग टेस्टिंग कराएंगे। उसमें जो लोग भी हाई रिस्क ग्रुप होता है, जिसको सिम्टम होता है, उनको हम लोग टेस्टिंग कराएंगे। टेस्टिंग कराने के बाद यदि वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको, यदि उनके बॉडी में एक सेपरेट कमरा है, एक अलग कमरा है और अलग बाथरूम है, तो उनको होम आइसोलेशन का ऑप्शन दिया जाएगा। ये तो हमारा पहला तरीका कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराना है। उसके बाद हम लोग जो है मार्केट एरिया में जो भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं उसमें जाके हम लोग एनफोर्समेंट करेंगे। मास्क किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, सभी को मास्क इस्तेमाल करना है, जो आपसी दूरत्व है वो बना के रखना है, इस पर हम लोग जो है पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर एनफोर्समेंट करेंगे, ये हमने डिसीजन लिया है। और साथ ही साथ में जनता को जागरूक करने के लिए जो हमारा एक्टिविटी होना है कि किस प्रकार से बराबर हाथ धुलना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, मास्क पहनना है, अननेसेसरी मार्केट में नहीं जाना है। পাশাপাশি সংক্রমণ রোধে বাজারগুলিতে মাস্ক ব্যবহার, মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য আলোচনা হয়। পিয়ার রিপোর্ট, চ্যানেল 3 রাউত।